दिल्ली में बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन बारिश मौसम तो अच्छा करती है मगर आफत भी लेकर आती है। आप सबका स्वागत है एक बार फिर ओखला टाइम्स में। 2 दिन से रोज़ बारिश हो रही है, ज़रा सी देर बारिश होने से सड़कों का बुरा हाल हो जाता है, हर जगह कीचड़ होती है और काफ़ी पानी भर जाता है। आपको सड़कों का हाल दिखा रही हूँ मैं, सड़कों पर काफ़ी पानी भर गया है। उस पानी भरने से लोगों को आने जाने में, ऑफिस जाने में, स्कूल जाने में और कहीं भी जाने में काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। ज़रूरी नहीं है कि सड़कें बनी हैं या नहीं बनी हैं, बनी हुई सड़कों पे भी पानी भरा हुआ है और जो टूटी हुई हैं वो तो भरी हुई हैं। ये नज़ारा है एक आम आदमी पार्टी ऑफिस के सामने का। अच्छे खासे घर बने हुए हैं और सड़क भी अच्छी खासी बनी हुई है, मगर पानी देखिए कितना भरा हुआ है घरों के आगे। ये है खलीउल्लाह मस्जिद वाली रोड, सेलिंग क्लब रोड। सेलिंग क्लब रोड पे पानी ज़्यादा नहीं भरा हुआ मगर कीचड़ और गंदगी काफ़ी हो रही है। जहाँ एक तरफ लोग बाज़ार में शॉपिंग कर रहे हैं, वहाँ दूसरी तरफ लोगों को वहीं पहुँचने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। मेन रोड तो आजकल काफ़ी सूखी है, सूख जाती है जल्दी, मगर अंदर के एरिया में थोड़ा बुरा हाल है। पानी भर जाता है और कीचड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। कुछ जगहों में सीवर का पानी भी बाहर आ जाता है। बारिश के पानी के साथ साथ नाली का पानी मिक्स हो जाता है, जिससे और ज़्यादा गंदगी हो जाती है। इस गंदगी से बीमारियां भी बढ़ सकती हैं, जैसे कि डेंगू, मलेरिया और भी कई बीमारियां हो सकती हैं इस गंदगी से। लोग ऐसे ही आ जा रहे हैं मुसीबतों से, लोगों के कपड़े ख़राब हो जाते हैं गंदगी से और फिर काफ़ी परेशानी और उठानी पड़ती है। गली पतली हो या चौड़ी, पानी तो हर जगह भर जाता है, चाहे वो ओखला हो, NFC हो या ही कोई और दिल्ली का कोई पॉश इलाका। ये सब हर जगह की यही परेशानी है, सब जगह पानी भर जाता है, सब जगह गंदगी होती है। इस समस्या का कोई समाधान अभी तक निकला नहीं है, कोई सोल्यूशन जान नहीं पाया है। ऐसे ही पानी भरता रहता है और ऐसे ही गंदगी बढ़ती रहती है। ये सारे नज़ारे आपको ओखला की सड़कों के दिखा रही हूँ मैं, जहाँ नाली का पानी भी है और बारिश का पानी भी है और सब गंदगी हो रही है और सबको ऐसे ही झेलना पड़ रहा है इस गंदगी को।